गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सार्थक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखने वाले, जो कि सार्थक में फर्स्ट चैप्टर का प्रोडक्टिविटी से का दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटिव है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, जो सार्थक में फर्स्ट चैप्टर में एमसीक्यू दिया है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि वेरिएबल इनपुट का उदाहरण है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी देख चुका है, इसका आंसर डी था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पहले से। यहाँ पे TFP श्रम उत्पादकता के समान है या नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो TFP जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, वो श्रम उत्पादक यानी कि लेबर प्रोडक्टिविटी के समान है या नहीं है, तो इसका आंसर गलत है कि ये समान नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पादकता का माप नहीं है, तो इसका भी हम लोग ने ऑप्शन पिछले वीडियो में देखा था, ये है। ठीक है, अगला एक न्यू क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इसमें बोल रहे यदि श्रमिक उत्पादन फंक्शन शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन कुछ दिए। श्रमिक उत्पादन फंक्शन यानी कि जो प्रोडक्शन फंक्शन पर वर्कर्स था, उसके शिफ्ट को हम लोग ने चेंज कर दिया, तो शिफ्ट चेंज करने से क्या होगा, तो इसमें जो आएगी एक दिक्कत आएगी क्या, कि जो इसका आंसर लिखा है ऑप्शन डी सही होगा। अब बता देते कैसे, कि अब जो प्रति घंटा वास्तविक GDP को हम लोग टोटल मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, जो मार्केट में प्राइस में जो ऑब्जेक्ट बिक रहा है वो, ठीक है, तो उस प्राइस तक पहुंचने में मात्रा प्राप्त करने के लिए काम करने में अधिक पूंजी लगी। अब उसी वैल्यू तक पहुंचने के लिए, कि जिस वैल्यू में मार्केट में सामान बिक रहा था उसमें पहुँचने के लिए हम लोग को अधिक पूंजी लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग प्रीवियस वाले की तरह था। उत्पादकता क्या होती है, आउटपुट अपन इनपुट के रेशियो को कहते हैं। उत्पादकता उत्पादन प्रणाली की दक्षता होती है, ये भी पहले देखे थे। ठीक है, सब पूरा पहले ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो नए हो गए वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, और ये भी उत्पादकता 1+ लाभ अपन लागत, ये वाला भी देखा था हम लोग ने। नेक्स्ट है कि उत्पादकता को निम्न में से किस संसाधन से मापा जाता है, तो सामग्री इनपुट, श्रम इनपुट और भूमि इनपुट, ये भी हम लोग ने साथ पहले देखा था, अगर नहीं देखा है तो इसको देख लेते भी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसका आंसर डी सभी हो जाएगा सही। अब कच्चे माल के उत्पादक तो बढ़ाया जा सकता है, ये वाला पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा है। ठीक है, तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। डिज़ाइन इनको हम लोग उचित डिज़ाइन का चयन करके, सामग्री को पुनः प्रयोग कर उपयोग करके और स्क्रैप नियंत्रण करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिवेंटिव, ये न्यू क्वेश्चन है कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सुधार होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सुधार होता है मशीन उत्पादकता से। ठीक है, मशीन की जो उत्पादकता से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सुधार होता है, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, अगर हम लोग को उत्पादकता बढ़ाना है तो ये भी प्रीवियस ही क्वेश्चन की तरह है कि यह उसी इनपुट से हम लोग आउटपुट बढ़ा दें या आउटपुट के लिए इनपुट को कम कर देते, इसका बहुत A&B सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वह समय जिसके लिए प्रबंधन या श्रमिकों की कमियों के कारण कार्यकर्ता या मशीन या दोनों निष्क्रिय बने रहते हैं के रूप में जाना था, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि वह समय जिस टाइम पे कोई मैनेजमेंट या लेबर के कमियों के वजह से हम, अगर हम लोग की जो प्रोडक्शन है और या मशीन है या वर्कर्स है या दोनों ही निष्क्रिय बने रहते हैं, यानी कि कोई वर्क नहीं करते, ठीक है, तो उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस टाइम को हम लोग प्रभावी समय कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा 12th का। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किसके उन्मूलन से औद्योगिक उत्पादकता में सुधार होगा। ठीक है, तो निम्नांकित में से किसके उन्मूलन से औद्योगिक उत्पादक में सुधार होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन अपना हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A&B। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रही है कि अगर हम लोग को इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना है तो हम लोग किसका अनुमूलन करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग अतिरिक्त जो समय लग रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने, मान लो कि 1.5 घंटा लगना है तो अब उसमें 2 घंटा लग जा रहा है, तो इसको अगर हम इम्प्रूव कर दें हम लोग अतिरिक्त समय को, तब भी हम लोग का वो सही हो सकता है। और अप्रभावी समय अभी मैंने बताया है कि ये चीज़ भी अगर हट जाए तब भी हम लोग का सही और मतलब इम्प्रूव हो सकता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इंडस्ट्री में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि कुल कार्य सामग्री, अब क्या होता है यहाँ पर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो कुल कार्य सामग्री का फॉर्मूला है कुल कार्य सामग्री प्लस अतिरिक्त समय। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख, मूल कार्य सामग्री प्लस अतिरिक्त समय, सॉरी, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा अल्प अवधि के कारण बेकार हो जाता है। यहाँ पे अल्प अवधि से क्या मतलब है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के कारण बेकार हो जाता है, तो निम्न में से कौन सा शॉर्ट ड्यूरेशन के कारण बेकार हो जाता है, ऑप्शन ये दिया गया है, अधिक उत्पाद विविधता, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसिव प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी हो रही है, बर्बादी हो रही है। ठीक है, दूसरा है कि मानकीकरण का अभाव, यानी कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन में कमी,
स्टैंडर्डाइजेशन की कमी होगी, और जब प्रोडक्ट में ज़्यादा ही डाइवर्सिटी हो रही है यानी ज़्यादा मात्रा में खपत हो रही है, ठीक है, वेस्ट चला जा रहा है, तो दोनों ही से हम लोग का जो है यूज़लेस बेकार हो जाएगा क्या शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और बने रहिए हमारे चैनल पे इसी तरह से, ठीक है, थैंक यू गाइस।